हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि इस कुर्ती या जो सूट होता है उसमें हम लोग साइड चाक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चाक बनाते हैं। तो जो विगनर होते हैं उन लोगों को चाक बनाने में काफी परेशानी होती होगी मेरे ख्याल से। कॉटन में तो वैसे आसानी से बन जाता है, यानी जो सिल्क कपड़ा सब होता है या शिफॉन सब होता है या ऐसा कोई भी कपड़ा होता है जो फिसलता है उसमें चाक बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको किस तरह से चाक बनाना चाहिए, यानी अगर आपको चाक नहीं बन रहा आपसे तो आप किस तरह से चाक आसानी से बना सकते हैं, आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको दो तरीका बताऊंगी चाक बनाने का, जो बहुत ही इजी तरीका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये सूट लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने हिप यानी आपकी जो जहां से चाक आप बनाने वाले, ठीक है, वहां तक मैंने स्टिचिंग कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं इसको इस तरह से रखूंगी। तो पहला तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले तरीके में आपको इस तरह से जहां तक आपकी स्टिचिंग है, ठीक है, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। इस तरह से, और फिर इसके ऊपर मैं आपको आयरन कर देना है। ठीक है, इस तरह से आयरन करने के बाद ये सेट हो गया है। अब इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है, यहां तक ही फोल्ड करें इस तरह से। और ये पिन है, इस तरह का पिन से मैं इसको यहाँ पे पिन लगा देती हूँ ताकि मुझे चाक बनाने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए पूरी में हम लोग इसी तरह से करेंगे। इसी तरह से हम लोग पूरे में पिन लगा देंगे। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो हमारे चाक बनाने के टाइम जो प्रॉब्लम होती है हमें, जैसे चाक बनाने के बाद कपड़ा जो है वो घूम जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, बराबर से आपकी चाक आएगी। तो इसलिए आज मैं ये मेथड आपको बता रही हूँ, तो जो विगनर है उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वाली तो हो गई, उसके बाद दूसरी वाली बनाने के लिए आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है इसके बराबर में। और इस तरह से पलट देना है। ठीक है, फिर आपको इस साइड भी आयरन कर देना है ताकि ये सेट हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आप सबको कॉटन में बता रही हूँ, लेकिन आप सिल्क में कोई भी ऐसे जो फिसलता है कपड़ा उसमें आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई किया है इसीलिए मुझे पता है कि उसमें अच्छा से बनता है। आप इस तरह से करेंगे तो आपको उसमें भी चाक बनाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से मेरे लिए हेल्पफुल हुआ था ये आइडिया, तो आपके लिए भी जरूर हेल्पफुल साबित होगा। अब मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ।
और फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी। और आपको इस तरह से पिन सब खोलते जाना है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो चाक है वो कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा रेडी हुआ है। ये कहीं से मुड़ नहीं रहा है, ये आपका बिल्कुल भी मुड़ने नहीं वाला है। अगर आप इस तरह से चाक बनाते हो तो चाहे वो कॉटन का हो या कोई भी सिल्क कपड़ा हो, किसी में भी आप बनाएं, ये बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है, आपको मुड़ेगा नहीं किसी किसी भी तरह से। तो आप ये मेथड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ, वो भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। वो वाला मेथड मुझे लगता है कि आप सबको सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कपड़े को पलट देते हैं, ठीक है, उल्टा साइड कर लेते हैं अभी। अब इस तरह से मैंने रख दिया है, यहां तक मैंने स्टिचिंग कर दिया है, जहां तक मुझे तैयार चाक चाहिए, ठीक है। यहां पर हिप का लाइन है मेरा, तो यहां तक मैंने स्टिचिंग ले लिया है। तो दूसरा मेथड में हमें ये करना है फ्रेंड्स कि जितना आपने यहाँ से चाक बनाने के लिए एक्स्ट्रा लिया था, जैसे मैंने 1 इंच का लिया है, तो आपको पूरी में 1 इंच में मार्किंग कर देनी है, ठीक है, इस तरह से। जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है उतना ही आपको मार्किंग करना है, उससे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं मार्किंग करना है आपको, वरना आपकी जो चाक है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। आप सबको तो पता है, जो नए नए अगर स्टिचिंग सीख रहे हैं उन लोगों को पता है कि चाक बनाने में कितना प्रॉब्लम होता है। मार्किंग हो चुकी है, 1-1 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया है। अब मैं मार्किंग सबको सीधा कर लेती हूँ, इस तरह से सीधा हो चुका है। अब ऊपर नीचे का जो दोनों पार्ट मैं इस तरह से बराबर में करते हुए यहाँ पे मुझे स्टिचिंग लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप यहाँ पे 5 नंबर की स्टिचिंग, अगर आपकी नॉर्मल मशीन है तो ठीक है, मतलब आपको दो दो स्टिचिंग लगाना है। आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं मशीन से ही कर रही हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिक मशीन से कर रही हूँ, इसलिए मैं पहले चेंज कर लेती हूँ। अब बराबर में दोनों कपड़ा को रखना है इस तरह से, और यहाँ पे स्टिच कर देना है। आपकी मार्किंग के ऊपर ही आपको स्टिच करना है, ठीक है, और ध्यान रहे बराबर से आपके दोनों कपड़े हो, तभी आपकी चाक जो है वो अच्छे से बन के आएगी। तो ये स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये स्टिचिंग हो चुकी है, अब हमें इस तरह से इसको करना है। ये वाली अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने वाला है, चाक एकदम परफेक्ट बनेगा। फिर आपको इस तरह से इसको एक बार पलटना है, फिर ये 2 बार, ठीक है,
तो इस तरह से आपकी चाक बनेगी। तो इस तरह से आपको मोड़ना है और इस तरह हल्का इस तरह से इसको खींचना है ताकि यहाँ पे कोई कपड़ा जमा ना हो। आप इस तरह से चेक कर ले कि आपकी हिप लाइन कहाँ पे है लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे है मेरी, तो बस पहुंचने ही वाली हूँ मैं हिप लाइन। उससे आपको हाफ इंच ऊपर तक सिलाई करना है। ठीक है, आपकी हिप लाइन से हाफ इंच ऊपर तक सिलाई करना है आपको, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं। तो ये मेरी हो गई इतनी दूर। अब मैं इस तरह से इसको घुमा देती हूँ। आपको उसी तरह से फोल्ड करना है जैसे हमने उस साइड चाक बनाने के टाइम फोल्ड किया था। इस तरह से हमारी चाक जो है वो कंप्लीट हो रही है। अब ये हमारी चाक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको आपको खोलना बताती हूँ, आपको किस तरह से इसको खोलना है ताकि हम दूसरी स्टिचिंग लगा सके। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको ओपनर की मदद से खोल देंगे, जो ये हमने स्टिचिंग लगाया था इसको। इस तरह से आपको खोलना है फ्रेंड्स। ये वाली मेथड जो है बहुत इजी है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपकी चाक जो है बहुत अच्छा बनेगी, अगर आपको चाक बनाने में परेशानी होती है। तो यहाँ तक मैंने खोल दिया है। ठीक है, जहां तक मेरी हिप लाइन है वहीं तक आपको खोलना है, आगे नहीं खोलना है कि आपने आगे भी खोल दिया, हिप लाइन के ऊपर भी खोल दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ से हाफ इंच हमने ज्यादा एक्स्ट्रा लिया था, ऊपर की तरफ स्टिचिंग लिया था, उससे मैंने हाफ इंच नीचे तक ही खोला है। ठीक है, जहां तक हमने स्टिचिंग लगाया था वहीं तक आपको खोलना है। और नॉर्मली जैसे हम लोग स्टिचिंग लेते हैं, और जैसे हम लोग नॉर्मली चाक बनाने के टाइम स्टिचिंग लेते हैं, यहाँ से भी हम लोग स्टिचिंग लेते हैं। आप सबको पता है इसके किनारे से भी स्टिचिंग लेते हैं, तो आपको वो लेना है स्टिचिंग। मैं उतना नहीं आपको दिखा रही हूँ, वरना वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आप सबको सिर्फ ये दो मेथड ही मैंने बताया आपको, और आगे नहीं बता रही हूँ कि आपको किस तरह से स्टिचिंग करना है। बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसके ऊपर से जैसा हम लोग स्टिचिंग लेते हैं, यहाँ से उसी तरह से आपको नॉर्मली लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने दो मेथड देखा आज चाक बनाने का, इजी तरीका है फ्रेंड्स। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।